जयपुर लिटरेचर फेस्ट में कवर करने आया था बहुत सारी स्टोरीज को मैं कवर कर रहा था एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस बुक कॉल अल्फाबेटिका। आई हैव नॉट इट बट आई नो किस्मत की बात यह है हम लोग मीट कर रहे हैं मतलब जयपुर में और फिर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल प्लेस अमेजिंग एक्सपीरियंस माय फर्स्ट

Obviously he is a very renowned personality. He heads the brand and marketing communications for Reliance Industries. But आज हम बात करेंगे इसके बारे में It's a very interesting kind of बुक uh, Alphabetica। इस पूरी दुनिया को स्वर और व्यंजन अगर उसको इंग्लिश में बोला जाए तो वॉल और कॉन्सेंट में अगर आप डिवाइड करते हैं और कैसे एक दिन अचानक से कॉन्सनेट बोलते हैं कि नहीं हमारी ताकत है हम मेजॉरिटी है एंड कैसे uh, एक समाज का सटायर उसको आपने पिरोया है या यू हैव वीव्ड द इंटायर स्टोरी आई वुड लव टू नो दैट तो ऐसे एक दिन अचानक मैंने एक सपना देखा uh, मैं बस में जा रहा था कोयम्बटोर सुबह uh, सुबह उठा कुछ सात बजे बस में और मेरे एक सपना देखा कि मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ कि ये जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी के जो चक्कर चलता रहता है उसे आपस में इतना झगड़ा चलता रहता है सोचो so, ये जो अल्फाबेट है इसमें भी एक मेजॉरिटी है कॉन्सोनेंट और माइनॉरिटी है बावल तो एक दिन अगर समझो ये कॉन्सोनेंट बोला कि हम लोग को ये माइनॉरिटी नहीं चाहिए हमारे जो देश है इसमें सिर्फ मेजॉरिटी रहेगा तो कैसा होगा वर्ड्स कहाँ जाएगा तो आई वो कब और ये 2008 की बात कर रहा हूँ मैं 2008 से लेकर बहुत बार मैंने सोचा पर ये काम के लिए जितने भी प्रेशर रहता है शुरू होता है कोई ड्राफ्ट तो ख़त्म नहीं होता है तो ये करते करते 2019 में मुझे एक दो महीने का मोहलत मिला था कि सोचने के लिए कि ये तो आइडिया है आइडिया तो एक चीज होता है वो तो एक पावरफुल आइडिया शायद था क्योंकि वो 2008 से लेके 19 तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो फिर आ, ये 19 में मैं लिखना चालू किया और सबसे अच्छा ये हुआ कि द वर्स्ट पॉसिबल टाइम विच इज़ कोरोना बिकेम द बेस्ट पॉसिबल टाइम फॉर मी तो वो जो एक मुझे आ, एक टाइम मिला घर में बैठ के जितनी भी हम लोग जूम कॉल और वो वीडियो कॉल वो सब चलता रहा फिर भी घर में बैठ के ये लिखने का एक जो ऑपरचुनिटी मिला कि मैंने एकदम इसको पूरा लिख लिया मैं उसके लिए उसके पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ जब मैं इंटरव्यू स्टार्ट कर रहा था उससे पहले आप बोल रहे थे

पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखो बंगाली का हिंदी जो है ना वो पूरा ये हिंदी फिल्म से हम लोग सीखा है और तो हमारे कोई ट्यूटर नहीं थे तो इसीलिए ये हिंदी भी जो है ना हम लोग ये बोल देते हैं जैसे कोई एक राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन का वो जो ट्रेनिंग स्क्रीन में जो हम सीखा है वही मैं बोलता हूँ वही वो, वो, वो मैं कोशिश करता हूँ वो देख देख के भी कितने लोग हिंदी सीखे उनमें से हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल तो एनी वे द कमिंग बैक टू जो मैं बोल रहा था कि ये जो कहानी है इसमें लास्ट में जाके मेरा एक दुविधा जो हुआ कि ये जो अल्फाबेटिक सिस्टम है इसमें से कौन वॉलेंटियर बनेगा कि चलो हम लोग एक साथ रहेंगे तो एक uh, जो आइडिया आया कि ये सिर्फ अल्फाबेट का देश नहीं है एक एक देश है पर इसका एक प्लानिट है और ये प्लानट है जैसे एक टाइपराइटर जो हमने इसमें दिखाया समझे ये प्लानट है सो so और ये उसी मैंने एक प्लानट का जो ये एक मैप भी बनाया इधर ताकि जब लोग पढ़े तो उसको ये प्लान में तो ये फिर ये ये सब दिखाया कि ये लैंड जो है ये साइड जो है ये वॉल जो है ये है अल्फाबेटिक का और ये है न्यूमेरिक का तो

देन आई फाउंड वन हीरो एंड द हीरो इज दैट स्मॉल एंड जो होता है ना एम्पसेंट बोलते हैं हम लोग पर यह जो एक कैरेक्टर है ये सबको एक साथ लाते हैं तो एम्पसेंट का रोल है कि गांधी जैसा द होल पर्पज इज कि जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो अगर आपको लगे कि कैसे हो सकता है कि बी कुछ इज अ कैरेक्टर वो can dance and sing okay so when you see this you see the human face of uh, every character is you can make out t s t s s s and all that okay but they all look human so yes. this is what i did uh, as my illustration which is there in you know all the pages where uh, you will find them uh, so by doing that uh, I have been able to humanize these characters. Uh, you had a very long career. You still have uh, as the head of brand strategy, brand communication for Reliance Industries. Uh, कितना difficult होता है ये और वो, because uh, वो एक अलग challenge है, ये एक अलग challenge है। यहाँ पे सोच के कुएं में रोज डुबकी मारना और रोज एक कुछ निकाल के लाना एक बाल्टी पानी, वहाँ वो इतने साल से experience हो गया है. देखिए मुझे लगता है कि हर एक चीज़ आ, अलग होता है और हर एक चीज़ उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज भी रहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि शुरू से लेके मुझे एक ट्रेनिंग मिला कि हर चीज़ हर क्रिएटिविटी के लिए एक आइडिया बनती है वो आइडिया अगर जो हम एडवर्टाइजिंग में हमेशा कहते हैं बिग आइडिया बिग आइडिया का मतलब ये है कि आइडिया अगर एकदम तगड़ा हो तो उसमें से कुछ ना कुछ निकलता है तो प्रोडक्ट हो एडवर्टाइजिंग हो ब्रांडिंग हो हर एक चीज़ में मैं सोचता हूँ कि आइडिया इज़ द किंग एंड मैं ये भी समझता हूँ कि आइडिया तो हज़ारों आइडियाज आ सकता है पर आइडिया में एक एक ख़ूबी है कि वो आइडिया जो पावरफुल है मतलब जिसमें कुछ दम है वो आइडिया को ऐसा करना चाहिए कि एक आइडिया आया पांच आइडिया आया उसको छोड़ दो राइटिंग अ बुक इज द लोनलीस्ट थिंग फॉर अ राइटर यू हैव टू डू एवरी थिंग अ डू द रिसर्च यू कैन हैव सम असिस्टेंस बट उसमें ये वो नहीं होता है खुद का रिसर्च खुद को ही करना पड़ता है लॉकडाउन हेल्प मी अ लॉट बिकॉज आई गॉट दैट एक्स्ट्रा टाइम आई एम ए वेरी इनडिसिप्लिन पर्सन इन देंस डेट दर आर पीपल मैंने सुना है को, कोई राइटर्स होते हैं कि वो सुबह छः बजे उठ जाते हैं फिर वो नौ बजे तक लिखते हैं फिर फिर दोपहर में वो खाना खा के सो जाते हैं फिर वो मैं नहीं करता हूँ मैं मुझे तो जब भी लगे कि मुझे लिखना है तो मैं बैठ जाता हूँ अगर वो रात के दो बजे तीन बजे अगर तक मुझे लिखना है एंड आई प्रीफर दैट बिकॉज आई आई प्रीफर टाइम when everybody is is asleep absolutely quiet मुझे लगता है कि उसी समय मेरा कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है mm -hmm. तो ये कर कर के लॉकडाउन के समय इट वाज गुड फोन कॉल भी नहीं थे ऑफिस जाने मतलब वर्क फ्रॉम होम वाज अ बिग रिलीफ तो हो गया इट वाज अ गुड इट वाज अ गुड जर्नी इट वाज अ वेरी गुड जर्नी फॉर मी अच्छा सर यू वर बोर्न एंड रेज्ड इन कोलकाता

सारी दुनिया में आ, बंगाली जो है वो कलकत्ता छोड़ के बाकी सब जगह चले गए पर बात यह है कि हमारे जो ग्राउंडिंग है ना और जो कल्चरल एक जो माहौल ये सिटी में और बंगाल में जो है वो शायद दूसरे कोई भी सिटी में नहीं है और ये जो एक ऑपॉर्चुनिटी है और एक मेल्टिंग पॉट है मतलब हमारे कलकत्ता कैसा था बाहर के लोग सब आके उधर काम कर रहे थे अभी उल्टा हो गया तो उसमें क्या होता था कि हम लोग सब में जैसे साउथ के लोग नॉर्थ के लोग इतने सारे दोस्त मरवाड़ी कम्युनिटी और रिलीजन रिलीजन का कोई भी फर्क अभी भी नहीं है पर उस समय तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि हम लोग कोई झगड़ा होगा रिलीजियस आपकी, आपकी भाषा में वॉल्स और और एक साथ हमेशा हमेशा रहते कौन और कौन उसमें कोई फर्क नहीं था नहीं आई होप कि ऐसा कभी ना हो और वो वॉल और कॉन्सनेट हमेशा एकजुट होके ही रहना चाहिए और वही शायद इस दुनिया की खूबसूरती तो किसी ने मुझे पूछा कि ये जो किताब मैंने लिखा किसके लिए लिखा और क्यों लिखा और इसमें कुछ बदलाव आने वाला है तो मेरा जवाब यही था कि ये तो सबके लिए लिखा और शायद कोई पढ़ के कोई एक बच्चा को अगर बोलेगा कि देखो ये जो वाउल्स और कॉन्सनेंट जो है ये हमेशा एक साथ रहना चाहिए और इसमें से अगर एक भी कोई सोचे कि हाँ हम सबको एक साथ ही रहना चाहिए हम डिवाइडेड नहीं हो सकता है जैसे ये 26 एक साथ रहना चाहिए वैसे हम सबको एक साथ रहना चाहिए अगर ये एक कोई है जिस जिसमें ऐसा लगे कि हाँ ये किताब में कुछ सही लिखा हुआ है हर बंगाली के घर में हमेशा एक चीज बोली जाती है कि कोई ना कोई टैलेंट तो आता होगा अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई आपके अंदर कौन सा मुझे वो जानना है देखिए इसका कारण एक है कि आ, एम्बिशन जो है ना वो हर एक के अंदर ये एम्बिशन होता है और आ, शायद पेरेंट्स मतलब माँ बाप का जो एम्बिशन यही यही होता है कि खुद शायद कभी जो हैं कि ये मुझे बनना है अगर नहीं बना तो वो जाके वो जो बेटे, बेटे और बेटी, बेटी, बेटी। उनके ऊपर वो दबाव आ जाता है हम वेरी फॉर्चुनेट पर्सन की आई डेंट हैव दैट प्रेशर एंड मेरे घर में एक वो आर्टिस्टिक माहौल था मेरा डैड उनका एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थे था और मेरा अंकल फिल्म मेकर थे मेरा uh, कजिन सब आर्टिस्ट थे तो उसी लिये कभी ऐसा नहीं था कि तुमको इंजीनियर बनना है और uh, उसी लिये मैंने एक अपॉर्चुनिटी मिला मुझे कि मैं जो भी चाहूँ कर सकता हूँ तो मेरा फर्स्ट लव था पेंटिंग तो वो आई एस्ट टू पेंट आई एस टू डू ऑल दीज थिंग्स और कॉलेज में रहते रहते मतलब थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज आई गॉट माई सेल्फ अ जॉब इन एडवर्टाइजिंग तो उसी समय से लेकर मेरा यही है कि आई हैड द फ्रीडम टू बी क्रिएटिव अभी क्रिएटिविटी हम बहुत ज़्यादा देखेंगे जैसे जयपुर लिट फेस्ट में देख रहा हूँ यंग पीपल इनके कितना ज्यादा टैलेंट है फिल्म बना रहे वो बुक्स लिख रहे हैं कोई म्यूजिक के इतने अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो ये जो जमाना है ये बिल्कुल अलग है हमारा जो था उसमें थोड़ा हार्डशिप थोड़ा चैलेंज थोड़ा वो अनसर्टिनटी थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू ए बी पी लाइफ आई होप आप ऐसे बहुत सारे और भी किताबें लाएं एंड मैं नेक्स्ट टाइम आपकी पेंटिंग जरूर देखूंगा ऑन द कवर ऑफ द दंड्रेड परसेंट थैंक यू थैंक यू मच